आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को मॉर्निंग से ही पता चल चुका होगा कि एक जो न्यूज जो है आप सभी लोगों के मन में या आप सभी लोगों के जो है ग्रुप में या यूट्यूब पर जो है आप सभी लोगों ने बहुत सारा देखा होगा। और हमने भी जो है आप सभी लोगों को मॉर्निंग में अपडेट दिया है कि बिहार डीएलएड या जो भी आपके अदर डिस्ट्रिक्ट में या अदर आपके जो स्टेट है जहाँ पर आपके डीएलएड होते हैं वह डीएलएड कोर्स जो है बंद होने वाले हैं। और यह बात जो है सत्य है, लेकिन अभी आपके जो है बंद नहीं होने वाले हैं। आखिर बंद होगा उसके बाद जो है क्या होगा, या बंद होने के बाद जो है आपका जो ये डीएलएड है इसके बदले कौन सा कोर्स लॉन्च होगा, आखिर बंद क्यों किया जा रहा है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ जो बच्चे पहले से डीएलएड कर चुके हैं उनका वैलिड रहेगा नहीं रहेगा, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट और सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलते रहे। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन समझाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, अपने सहपाठी और अपने भाई बहनों को। यहाँ पर देख सकते हैं कि देश में जो है अब डीएलएड कोर्स जो है बंद होगा, और इसके बदले कौन सा कोर्स आएगा, आखिर क्यों बंद किया जा रहा है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। और सबसे पहले मैं आपको आज का पेपर का जो नोटिस है वो मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश भर में 4 वर्षीय आईटीपी के आधार पर अब बहाल होंगे शिक्षक। यानी कि अभी तक, यानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो हम लोग टीचर बनते हैं, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आप लोगों को जो है डीएलएड करना होगा, नहीं तो आप लोगों को बीएड करना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका डीएलएड है और जो ये आपका बीएड है, ये दोनों कोर्स जो क्या हो जाएगा कि बंद हो जाएगा, ये दोनों कोर्स क्या हो जाएगा आपका क्लोज हो जाएगा, समझ गए ना, यानी कि आपका दोनों कोर्स जो है बंद हो जाएगा। इसके बदले जो है जो आपका कोर्स लॉन्च होगा उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपका आईटीईपी, ये आपका होगा आईटीईपी होगा, जो कि आपका 4 वर्ष का कोर्स होगा, यानी कि 4 इयर्स आपके जो ये प्लान कोर्स होंगे, जिसके बाद करने के बाद ही जो है आप टीचर बनिएगा, समझ गए। अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, समझ गए ना। लेकिन अभी आपको तो पता होगा कि टीचर बनने के लिए आपको डीएलएड नहीं तो बीएड करना जरूरी है, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों के बाद, अभी बंद नहीं है, अभी आप कर सकते हैं, घबराइएगा नहीं, एक एक सवालों का जवाब देंगे। कुछ वर्षों बाद जो है ये आपका दोनों बंद हो जाएगा, यानी मोटा मोटी तौर पर समझ लीजिए कि आपका जो ये बीएड है और जो ये आपका डीएलएड है, ये आपका जो डीएलएड है ये दोनों आपका क्या है कि 2030 तक बंद हो जाएगा, यानी कि 2030 तक जो है आपका ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, समझ गए, बंद हो ये आपका जाएगा। इसके बदले आपका जो न्यू कोर्स लॉन्च होगा, इसके बदले जो आपका न्यू कोर्स आएगा जो कि एक ही कोर्स होगा, उसका नाम क्या रहेगा, आईटीईपी रहेगा। और ये कोर्स जो है किसके बेस पर आएगा, तो ये आपका एनईपी 2020 के आधार पर आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्ट जो है आया है, जिसमें आप सभी लोगों को ये चीजें आपको देखने को मिल रहा है, समझ गए। इतनी तो आपको बातें ये समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं जो आपका पेपर में दिया था वो यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिएगा, 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योजना, यानी 6 साल बाद जो है टीचर बनने की प्रक्रिया जो है बदल जाएगी, यानी अभी आपका 24 चल रहा है और 2030 तक जो है आपका डीएलएड और बीएड जो है रहेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, समझ गए। अब आपका जो सवाल है कि जो इस वर्ष बच्चे दिए थे, चाहे जो बच्चे बीएड का एग्जाम देंगे क्या उनका वैलिड रहेगा, हाँ बाबू वैलिड रहेगा, 2030 तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, चाहे वो आपका 2029 या 30 के बीच में जो ये बंद हो जाए उसके बाद आईटीईपी आपका कोर्स लॉन्च हो जाएगा। लेकिन अभी दिक्कत नहीं है, कान खुल के सुन लीजिए। और एक और बात, जो बच्चे इससे पहले कर चुके हैं तो उनका वैलिड लाइफ टाइम रहेगा। अब मान लीजिए कि जो बच्चे 1998 ईस्वी में 10th पास किए और जो बच्चे 2030 में पास करेंगे, तो दोनों तो वही बात होगा ना, उस समय बोर्ड वही है, हाँ थोड़ा सा अंतर होगा लेकिन सब कुछ वही होगा, कहीं जॉब के लिए जाएंगे या इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो दोनों का 10th का वैलिड तो वही रहेगा ना, वही बात है। तो
आपका डीएलएड जो बच्चे कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, इन बातों को परेशान मत होइएगा, समझ गए। अब रही बात, यहाँ पर देख सकते हैं योजना यही है कि, समझ गए ना, छह साल, देखिए यहाँ पर लिखा 2030 से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया न्यूनतम योग्यता बदल जाएगी, अभी नहीं बदलेगी, 2030 से, कब बदलेगी, 2030 से आपका जो कोर्स हो जाएगा ना, ये आपका 4 इयर्स का कोर्स हो जाएगा, इसके आधार पर ही जो है आप लोग टीचर बन सकते हैं। अभी तो आपका 2 वर्ष का है डीएलएड हो बीएड हो, ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्स भी चल रहा है 4 इयर्स ग्रेजुएशन के साथ बीएड, तो ये कब तक लागू होगा, 2030 में लागू होगा, अभी नहीं हो रहा है, तो इन बातों को लेकर परेशान आपको नहीं होना है, समझ गए। ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बाकी ये आपको तो पेपर का बात है, तो इसमें जो चीजें लिखी गई है वो आप जान ही रहे हैं। अब यहाँ पर आइए आगे देख लेते हैं, जो मुझे आपको समझाना है वो समझ लीजिए, आप लोग बड़ी परेशान हो जाते हैं। देखिएगा 2028 तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना, 2028 तक, यानी कि ये सेशन उसके बाद भी सेशन कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि 2030 तक लागू होगा कौन सा कोर्स, ITEP, जिसको हम लोग जो है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बोलेंगे, जो कि आपका 4 इयर्स का होगा, क्या होगा, यह आपका जो है 4 इयर्स का कोर्स होगा, 4 साल का कोर्स होगा, और आपका जो स्टडी होगा, जो अभी आप पढ़ रहे हैं वही चीज है उसमें होगा, बस कोर्स चेंज कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डीएलएड खत्म हो जाएगी, जो डाइट कॉलेज है वो आपका ये हो जाएगा ITEP कॉलेज, समझ गए, ऐसा कुछ है नहीं। अब पूरे बिहार में और इतने सारे कॉलेज है तो सब तो बर्बाद हो जाएगा, नहीं बर्बाद होगा, कुछ नहीं बर्बाद होगा, वो सारे कॉलेज का नाम चेंज कर दिया जाएगा, पढ़ाई आपका वही होगा, कोर्स का सेशन बढ़ जाएगा, 2 वर्ष के बदले 4 वर्ष हो जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला है, तो इन बातों को परेशान नहीं होना है, क्लियर है। अब आपके जो भी सवाल है वो देख लीजिए, देखिए, और ये लागू क्यों हो रहा है, हम सभी लोगों को मालूम है, NEP आपका 2020 लागू हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्ट 2020 लागू हुआ है, जिसमें बोला गया है कि 2030 तक लागू हो जाएगा, ये आपका 4 इयर्स का होगा ये कोर्स, इसके बाद ही कोई व्यक्ति टीचर बन पाएगा। तो मुझे लगता है कि मेरी बात समझ गए होंगे, बिहार डीएलएड हो या अदर स्टेट की डीएलएड हो, अभी बंद नहीं हुआ है, और ये बंद होगा तो 2030 तक बंद होगा, समझ गए। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, और जो बच्चे पहले कर चुके हैं उनका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, और आने वाले समय में जो आपका कोर्स होगा वो आपका ITEP होगा, समझ गए, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 4 वर्ष का होगा, पढ़ाई आपका वही होगा, कोर्स में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा, बाकी आपका सारे कॉलेज का नाम बदल दिया जाएगा, बाकी आपका वही रहेगा, केवल समय बढ़ जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, जो बच्चे इस बार एग्जाम दिए हैं उनका एडमिशन होगा, पढ़ाई भी होगा, समझ गए, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं कि आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में बता दिया है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्ट जो है ये बना है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में और भी सुधार लाया जा सके, समझ गए ना, 3+2+2+4 इस तरह करके आपको बनाया गया है। तो आशा करते हैं कि आप मेरी बात जो है समझ गए होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।